जाती हूँ तो बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन कई बार लोग नहीं बदलते। अब एक्सक्यूज मी मैडम को ही ले लीजिए, कहने को ये दूसरा सीजन है मे आई कम इन मैडम का, लेकिन इन भाई साहब को कौन समझाए, इनकी हरकतें जैसे पहले थी अभी भी वैसी ही हैं। आ गई कहानी उस इंसान की जो हर प्यारी औरत पर लट्टू हो जाता है क्योंकि वो आदमी अपनी पत्नी की ओवर केयरिंग से परेशान है। उस आदमी को चाहिए थोड़ी सी आजादी जो कि मिलती नहीं, और अगर वही आदमी मैडम जी को सिर्फ एक्सक्यूज मी तक कहना चाहे तो बीवी के ये भाई साहब बीच में आ जाते हैं। मे आई कम इन मैडम की सफलता के बाद मेकर्स अब लेकर आ रहे हैं एक्सक्यूज मी मैडम, जिसकी कहानी नई लेकिन मुद्दा वही पुराना है। पत्नी के अति प्यार का मारा आम आदमी बेचारा बने हैं राजेश कुमार। आज तक पिछले 20 साल में जैसा किरदार नहीं किया है वैसा किरदार है ये। कॉमेडी में थोड़ा सा एक दो नॉच हमेशा हम लोग परफॉर्मेंस में ऊपर रहते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सहजता के साथ इस किरदार को निभाना पड़ रहा है। मेरा पति सिर्फ मेरा है मानने वाली महिला बनी है सुचेता खन्ना। इसमें क्रांति का रोल कर रही हूँ एंड शी इज़ अ हाउस वाइफ, शी इज़ अ वेरी लविंग डोटिंग अ वेरी सुपर केयरिंग वाइफ, और उससे उसकी वजह से ना ओवर केयरिंग नेचर की वजह से मेरे हस्बैंड का जो है दम घुटता रहता है बिकॉज ही डजंट फील द सेंस ऑफ फ्रीडम। हर बात पे मैं रोकना टोकना, ऐसे करो ऐसे मत करो वैसे मत करो, सो आई थिंक दैट्स द रीजन ही इज़ गोइंग एंड मीटिंग मैडम। और मैडम जी बनी है नायरा बैनर्जी। मैं मैडम प्ले कर रही हूँ जो UK रिटर्न है एंड इंडिया में अपने बिजनेस को संभालने आए हैं। ये देहरादून में एस्टैब्लिश्ड है और बहुत ही अलग अलग किस्म के टर्न्स एंड ट्विस्ट्स हैं। और ये है भाई साहब जो अपनी मालकिन को अपनी सगी बहन मानते हैं और इनकी पूरी कोशिश रहती है कि जीजा जी की नजरें कहीं इधर उधर ना भटके। जीजा जी अपनी पत्नी के साथ ना चाहते हुए भी एक्सरसाइज करने सुबह सुबह निकल पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि एक सुंदर सी मैडम जी पार्क में एक्सरसाइज कर रही हैं, तो भाई साहब का पारा हाई हो गया और उन्होंने साल भर की एक्सरसाइज सिर्फ एक ही दिन में एक ही साथ करने की ठान ली। निगाहें मैडम जी के ऊपर ही थी और तभी अपनी दीदी के साथ आ गए भाई साहब और जीजा जी का पूरा मूड खराब कर दिया। लेकिन बिहाइंड द सीन ये जनाब सभी के प्यारे हैं। वैसे दया तो हमें आती है जीजा जी पर जो पत्नी की शॉपिंग के थैलों को दुनिया के बोझ की तरह उठाते हैं, और फिर से तभी मैडम जी पास से गुजरती हैं। मैडम जी के परफ्यूम की खुशबू में दूर से ही शो के हीरो खो जाते हैं। लेकिन फिर से यहाँ पर आ गए साले साहब, तो कुछ ऐसा होने वाला है एक्सक्यूज मी मैडम का आगाज, जहाँ डाल डाल पर बैठने वाले भवरे जैसे पति पर उनकी पत्नी पिंजरा तैयार रखती है, लेकिन ये भवरा तो पहले से ही मैडम जी की खुशबू में खो चुका है। ABP न्यूज रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।